नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं द फ्रंट। हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी की गैंगरेप के बाद हुई हत्या ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, लेकिन जैसे जैसे इस घटना की परतें उधड़ रही है, वैसे वैसे पुलिस का संवेदनहीन चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। जैसे जैसे इस घटना से पर्दा उठ रहा है, एक समाज के तौर पर भी हमारी संवेदनहीनता उजागर हो रही है। प्रियंका रेड्डी की जान बचाई जा सकती थी अगर पुलिस ने थोड़ी सी तत्परता दिखाई होती। प्रियंका रेड्डी की जान बच सकती थी अगर एक समाज के तौर पे हमने थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ी सी सतर्कता दिखाई होती। असल में प्रियंका रेड्डी की मौत या उसकी हत्या सिर्फ उन चार दरिंदों ने ही नहीं किया, बल्कि पुलिस की लापरवाही और एक समाज के तौर पे हमारी संवेदनहीनता ने भी प्रियंका रेड्डी को मारा है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आपको तो याद ही होगा, अभी दो दिन पुरानी घटना है, जब ये खबर फैली तो तेलंगाना के गृह मंत्री से लोगों ने सवाल किया और उनका जवाब क्या था। उनका जवाब था कि प्रियंका ने अपनी बहन को फोन करने की बजाय अगर पुलिस को फोन किया होता, डायल 100 पे फोन किया होता, 100 नंबर पे फोन किया होता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी, ये घटना नहीं होती। गृहमंत्री जिस पुलिस की तत्परता पर इतना भरोसा जता रहे हैं, अब उस पुलिस का चेहरा भी बेनकाब हो चुका है। प्रियंका के पिता का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जब करीब 9:45 के आसपास प्रियंका का फोन बंद हो गया और 10 बजे के आसपास वो घर से निकले और स्थानीय जो पास का पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचे, तो पुलिस ने उनसे ये कहकर प्रियंका की तलाश करने से मना कर दिया कि ये उसके ज्यूरिसडिक्शन का मामला नहीं है। यानी कि वो जो इलाका है, जो शमशाबाद, जहां उन्होंने कहा कि जो लास्ट टाइम हमारी बेटी से बात हुई थी, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये कहकर पुलिस ने इस मामले को टाल दिया। प्रियंका के पिता का कहना है कि रात 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक वो एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते रहे, गुहार लगाते रहे, फरियाद करते रहे पुलिस वालों से कि वो उनकी बेटी की तलाश करें, लेकिन पुलिस वालों ने बेटी की, उनकी, प्रियंका की तलाश करने की बजाय ज्यूरिसडिक्शन का मामला बताकर गुमशुदगी का न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही इस मामले में कोई कार्रवाई की। ये उस पुलिस का चेहरा है जिसके बारे में तेलंगाना के गृह मंत्री इतनी शेखी बघार रहे थे कि अगर प्रियंका ने बहन की बजाय पुलिस को फोन किया होता तो यह घटना नहीं हुई होती। अब आप जरा इसको ऐसे भी समझिए कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि अगर पहली बार, यानी कि रात 10 बजे के आसपास जब प्रियंका के पिता ने पुलिस को पहली बार सूचना दी थी, अगर पुलिस ने उसी समय उस पर एक्शन लिया होता, उस पर तत्परता दिखाई होती, तो प्रियंका की जान बच सकती थी। वो इसलिए क्योंकि जहां पर यह घटना हुई उस टोल नाके से, टोंडुपल्ली टोल प्लाजा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। प्रियंका की लाश भले ही वहां से 30 किलोमीटर दूर मिली, लेकिन जहां पर उसके साथ गैंगरेप हुआ या संभवतः जहां पर उसकी हत्या की गई, वो टोल नाके से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर पुलिस ने रात में 10-11 बजे के आसपास अगर वहां पुलिस पहुंच जाती, पूछताछ करती, सीसीटीवी कैमरे को खंगालती, जैसा कि उसने बाद में किया, अगले दिन किया, या टोल नाका के कर्मचारियों से पूछा होता, जो जिन्होंने की नोटिस जरूर किया होगा प्रियंका को वहां पर लोगों से बातचीत करते हुए, अपनी पंक्चर स्कूटी को लेकर आते जाते उन्होंने जरूर नोटिस किया होगा, अगर पुलिस ने पूछताछ की होती तो निश्चित रूप से रात में ही पुलिस को प्रियंका के बारे में पता लग गया होता। जाहिर सी बात है कि प्रियंका की हत्या आधी रात के बाद की गई होगी, जैसा कि अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से यह पता लगता है। ऐसे में आप सोचिए कि अगर पुलिस ने थोड़ी सी तत्परता उस समय, मुस्तैदी दिखाई होती, तो प्रियंका की जान निश्चित रूप से बचाई जा सकती थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रियंका रेड्डी को उन चारों दरिंदों ने कैसे अपने जाल में फंसाया, कैसे ट्रैप किया, उसके बहुत सारे सबूत, उसकी बहुत सारी तस्वीरें टोल प्लाजा, पास के पेट्रोल पंप और दूसरे जगहों पर लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें कैद है, और उनको देखकर यह साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक एक पूरी साजिश के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत प्रियंका रेड्डी को उन्होंने ट्रैप किया। जो तस्वीरें मिली है और जो वहां पर टोल प्लाजा पे काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ में जो बात सामने आई है, उससे पता लगा कि जब प्रियंका वहां पर अपना स्कूटी लगाकर जा रही थी, उस समय ही शायद इन चारों लोगों ने उसे नोटिस किया था और उन्होंने तय कर लिया था कि प्रियंका को उनको ट्रैप करना है,
और इसीलिए उनकी लॉरी जो काफी दूर खड़ी थी टोल प्लाजा से, उसको उन्होंने बाद में इस तरीके से लाकर लगाया कि जिससे कि प्रियंका की स्कूटी ढक गई और एक तरीके से वो पब्लिक की नजर से छिप गई। पुलिस को शक है कि प्रियंका की जो स्कूटी पंक्चर हुई वो पंक्चर नहीं हुई थी, बल्कि असल में इन्हीं लोगों ने उसे पंक्चर कर दिया था या उसकी हवा निकाल दी थी ताकि प्रियंका को वो वहां रोक सकें। उसके बाद आप ये सोचिए कि जब प्रियंका को ये पता लगता है कि उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई है, तो फिर भी वो कोशिश करती है कि पंक्चर स्कूटी लेकर ही वहां से जाए, और वो वहां से निकलने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहां पर मौजूद इन चारों लोगों ने उसे एक तरीके से डरा दिया कि आप इस स्कूटी को लेकर अगर गई तो रात में आप और मुश्किल में फंस सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहीं रुकिए, हम स्कूटी को बनवाने का इंतजाम करते हैं, इसका पंक्चर ठीक कराने का इंतजाम करते हैं। उसमें से एक लड़के ने स्कूटी को ले जाकर बनवाने की बात एक तरीके से बहाना किया और बाद में वो ये कहकर लौट आया कि सारी दुकानें बंद हैं। इसके इतना सब कुछ जब हो रहा था तो आप समझिए कि वहां पर बहुत सारे लोग, जैसा कि टोल प्लाजा पर अक्सर होता है, टोल प्लाजा पर अकेले बीसीओ लोग काम करते हैं, वहां पर हमेशा बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे ट्रक खड़े रहते हैं और बहुत गहमा गहमी होती है टोल प्लाजा पे कमोबेश 24 घंटे। इतना सब कुछ हो रहा था तो यह बिल्कुल ही नहीं माना जा सकता है कि वहां पर मौजूद लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया होगा। उन्होंने नोटिस किया, लेकिन हमारी संवेदनहीनता, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम जिस तरीके से संवेदनहीन हैं, जिस तरीके से हम केयर नहीं करते इन सब छोटी छोटी चीजों का जो कि बाद में किसी बड़ी घटना में तब्दील हो जाती है, दुर्घटना में तब्दील हो जाती है, वो उसी का नतीजा है कि प्रियंका को लेकर किसी ने वहां पर उसे उससे बात करने या उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे मौकों पे हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिस परिस्थिति में प्रियंका रेड्डी थी, बहुत मुमकिन है कि कभी किसी दिन हमारे घर की महिलाएं भी इसी तरह की मुसीबत में फंस जाए। ऐसे मौकों पे अगर हम मदद नहीं भी कर सकते हैं खुद से, तो भी हम पुलिस को सूचना देकर या किसी और तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी मंशा मदद करने की हो। हमें समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा का मसला सिर्फ पुलिस का नहीं है, सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। जब तक एक समाज के तौर पे हम सजग नहीं रहेंगे, हम सतर्क नहीं रहेंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं को, के दोहराव को हम रोक नहीं सकते। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। प्रियंका रेड्डी का जाना, प्रियंका रेड्डी की जो हत्या हुई, ये हमारे लिए, इस देश में, एक समाज के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे हमारे लिए एक बड़ा सबक होना चाहिए और जिसे कि हमें समझने की जरूरत है। द फ्रंट के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरों पे हमारी नजर बनी रहेगी और आपसे जुड़ी हुई किसी खबर पे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.